हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लास टेंथ का ये टॉपिक है। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो भी डिसीजेज जो है वो लगती हैं, वो एक तो बहुत डेंजर होती हैं, और दूसरा ये होता है कि उनको हम ज़्यादा जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा डेंजर जो है वो होते हैं। क्योंकि जो जनरल डिसीजेज होती है हमारी बॉडी की, उनको हम डॉक्टर के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो शेयर कर सकते हैं। बट ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं, इनको हम छुपाने की कोशिश करते हैं, और ये ज़्यादा जो है वो डेंजर हो सकती है। ठीक है, तो इनको छुपाना नहीं चाहिए, अर्ली स्टेज में इनका जो है वो इलाज जो है वो हमें करवा लेना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, कुछ ऐसी डिसीज हैं जो बैक्टीरियल डिसीज हैं, बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। ये आपने पढ़ा था कि ये जो है कैसे फैलती हैं, जैसे किसी के कांटेक्ट में आते हैं हम। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव की हेल्थ अगर बात करें, तो जो सेक्सुअल एक्ट होता है इस केस में, उसमें हम बड़े क्लोज जो है वो मेल और फीमेल जो है वो उनका क्लोज आना जो है वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस जो है वो इस तरह के डिसीज के हो सकते हैं। तो बैक्टीरियल डिसीज में यहाँ जो डिसीज है आपके पास, दैट इज गोनोरिया और सिफिलिस जो है वो बीमारियाँ ये होती हैं, जिसमें आपको पता है डिफरेंट टाइप के इसमें सिम्टम जो होते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है गोनोरिया में, या अबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना जो वो हो सकता है, और सिफिलिस में जैसे मौत के ऊपर या जेनिटल पार्ट के ऊपर जो वो सोर वगैरह जो है, घाव वगैरह जो वो बनने लग जाते हैं। तो उसमें ये फर्स्ट जो सिम्टम आता है सिफिलिस डिसीज का, वो ये होता है। उसके बाद ये सोर वगैरह ठीक होने लग जाते हैं, फिर वो सेकेंड स्टेज में ये डिसीज जो वो चली जाती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट स्टेज में इनको अगर आप क्योर कर लेते हैं, तो आप इनसे बच सकते हैं। ठीक है, ये इनको हम शॉर्ट फॉर्म में STD भी बोलते हैं ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज भी हम इसको बोलते हैं, सेक्सुअल एक्ट के थ्रू जो ये फैलती हैं। उसके बाद सेकंड हम बात करें, वायरल डिसीजेज भी होती हैं इसमें। वायरल डिसीज जो वायरस की वजह से होती हैं, जैसे आपके पास रॉट्स हैं, और सेकेंड वन दैट इज बड़ी फेमस डिसीज है जिसको हम एड्स बोलते हैं, जो जिसका जो वायरस है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। तो ये बीमारी जो होती है, जैसे एड्स है, एड्स अपने आप में कोई एक पर्टिकुलर डिसीज तो है नहीं, ये ऐसी बीमारी है कि अगर आपको कोई और बीमारी लग जाती है, कोई भी बीमारी लग जाती है आपको, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, वो ठीक नहीं होती है, है ना। चाहे अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम ही हो गया है, तो वो ठीक नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, और छोटी सी बीमारी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक जो है वो हो सकती है, इवन आवर जो डेथ है वो भी कॉज कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखो, एड्स अपने आप में बोल रही है एक्वायर्ड होता है खुद अर्जित करना, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, वीक हो जाता है, और उसी के ही सिंड्रोम, उसी के ही हमें सिम्टम जो वो नजर आते हैं, तो उसी को हम एड्स जो वो बोलते हैं, है ना। और ये सेक्सुअल एक्ट के थ्रू ही फैलती है। हम किसी ऐसे इंसान के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, सेक्सुअल एक्ट में ऐसे इंसान के साथ आ जाते हैं जो ऑलरेडी ही HIV पॉजिटिव होता है, जिसको एड्स होती है। अगर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ली जाए, तो सेकंड पर्सन भी HIV पॉजिटिव जो वो हो जाता है। एक तो रीज़न ये है इसका। सेकंड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इसका एक कॉज है, जिसमें हम ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन को दे देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो भी इसका ये कॉज हो जाता है। या फिर ब्लड जो है वो दो इंसान का कॉन्टेक्ट में आ जाए, जैसे कि हम बार्बर की शॉप पे जाते हैं, और वहाँ पे अगर सेविंग वगैरह हम करवाते हैं, और
उसके दौरान हमें कट वगैरह लग जाता है, और वही कट जो है वो ही ब्लेड हम अगर दूसरे इंसान को यूज कर लेते हैं, तो जो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है दोनों में से एक, उसका ब्लड दूसरे के संपर्क में आ गया इस तरह से, तो भी यहाँ पे चांसेस जो है वो बन जाते हैं, है ना। तो ये इसके कॉमन कॉज जो है वो होते हैं एड्स के। बाकी इसका जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इसका वो ही है कि सेफ्टी को यूज़ किया जाए, कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए जाएं जो कनेक्ट जो है दोनों का, मेल और फीमेल का जो है बच जाए। तो इसके लिए सिंपल तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं हम, यूज़ ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और फीमेल के केस में जैसे यहाँ पे लूप वगैरह या कॉपर टी वगैरह का यूज जो है वो किया जा सकता है, ताकि यहाँ पे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो है वो आपस में ना आ जाए। तो इस तरह की जो डिसीज होती है उनसे बचा जा सकता है, इन सारे की जो कंटेमिनेटेड डिसीजेस होती हैं उनसे जो है वो बचा जा सकता है। और सेकंड जो इसका फायदा होता है, इन जो ये जो डिवाइसेस होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिनको हम बोलते हैं, उनका सेकंड जो फायदा हो जाता है वो कहाँ पे हो जाता है, दैट इज अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी में भी इनका यूज जो है वो किया जा सकता है ना। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी में मीन्स कि कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, तो वहाँ पे मेन जो हमने देखा है कि मेन इवेंट क्या होता है वहाँ पे, कि एग जो है वो किसके संपर्क में आता है, स्पर्म के संपर्क में आ जाता है, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, या तो यूज हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का, कॉन्डम का, लूप का और कॉपर टी का, इसका में यूज हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो एग के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता है, है ना। तो एग स्पर्म जो है वो नहीं मिल पाएंगे तो भी यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। और सेकंड यहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं वो उनसे भी आप बच सकते हैं। सेकंड यहाँ पे कुछ और मेथड हैं, मैकेनिकल मेथड भी हैं। मैकेनिकल मेथड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, और कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में, जैसे कि आप यहाँ पे देखें मैकेनिकल का, जैसे सर्जिकल मेथड होते हैं। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जिकल मेथड में हमने क्या करना होता है, मेल के केस में, अगर हम मेल के केस में देखते हैं तो वहां पे एक जो टेस्टिस से एक ट्यूब निकलती थी, जिसको हमने क्या बोला था, बास डिफरेंस, या ये जो यहाँ पे ट्यूब निकलती है इसको बोलते हैं बास डिफरेंस। तो बास डिफरेंस को अगर हम इसको ब्लॉक करते, है ना, इसको टाइट करते, बांध दे इसको, जिसको हम सर्जिकल मेथड में इसका हम ऑपरेशन बोलते हैं ना, कि मेल का ऑपरेशन जो वो हो गया है। तो यहाँ पे अगर इसको बांध दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से स्पर्म जो है वो आगे नहीं जा पाएंगे और एग के साथ वो फ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो ये तो मेल के केस में हम ये कर सकते हैं, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस्कोटोमी बोलते हैं। इस टर्म को हम बेस्कोटोमी जो वो बोलते हैं, बेस्कोटोमी और ट्यूबोक्टोमी, बेस्कोटोमी एंड सेकंड वन इज ट्यूबोक्टोमी, जो है दो मेथड है ये, है ना। बेस्कोटोमी में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे बास डिफरेंसिया जो होगा, बास डिफरेंसिया जो ट्यूब है जो स्पर्म को ले जाने का काम करती है टेस्टिस से, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक मेथड होता है मेल के केस में, मेल स्टरलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, बेस्कोटोमी इसको हम बोलते हैं। और सेकंड यहाँ पे होता है ट्यूबोक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी में आपने देखा था कि मेल के केस में जो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे मेल के केस में फेलोपियन ट्यूब जो आपने पड़ी थी, यहाँ पे इस तरह से ये फेलोपियन ट्यूब जो थी ये वाली, इसको यहाँ पे हम टाइट कर देते हैं, इसको हम बांध देते हैं
ठीक है, ये कट लगा देते हैं इसको, और इस साइड दोनों साइड जैसे यहाँ पे कट लगा दिया, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो यहां से जो ओवरी से एग रिलीज होगा वो एग जो है वो आगे जाकर स्पर्म के कॉन्टेक्ट में जो है वो नहीं आ पाता, जो स्पर्म यहाँ से एंटर कर रहे होते हैं उनके संपर्क में नहीं आता है, तो यहाँ पे भी अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उससे आप बच सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है, सर्जिकल मेथड जो है वो हो सकता है, और ये परमानेंट मेथड ही होते हैं ये, है ना। और क्या मेथड हो सकता है इसमें, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकते हैं, बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस कर देंगे हम, और जिसके कारण यहाँ पे एग की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो यहाँ पे ओवरी में एग की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस करके। इसके लिए पिल्स वगैरह जो है वो मिलती हैं, टैबलेट्स वगैरह जो है वो मिलती हैं फीमेल के लिए, लेकिन ये जो होती है बाद में क्या करती है, साइड इफेक्ट जो है वो कॉज कर देती है, तो इसे साइड इफेक्ट जो है वो हो जाते हैं बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो कर सकते हैं अगर हम इस तरह का हार्मोनल इम्बेलेंस जो है वो करते हैं। तो इसका जो बेस्ट मेथड रहता है फिर वो सर्जिकल मेथड ही रहता है, दैट इज बेस्कटोमी या फिर ट्यूबोक्टोमी जो होता है, जिसमें हम फिलोपियन ट्यूब को या फिर हम वास डिफरेंसिया का जो वो ब्लॉक कर देते हैं, और वहां से फिर एग जो है वो या स्पर्म जो है वो आगे मूव नहीं होते और उनका फ्यूजन जो है वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनको यूज करके एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, और सेकेंड केस में हम जो डिसीजेस होती हैं, एसटीडी होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं, उनसे भी हम जो है वो बच सकते हैं। तो ये यूजेस जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के होते हैं। तो होप है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।